नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस रिपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमारे पास एक्सेल फाइल है और एक वेबसाइट है, एक फाइनेंशियल वेबसाइट है, mrci.com। ये ऑनलाइन ये देता है, फाइनेंशियल डेटा है। मुझे इस डेटा को एक्सेल के ऊपर इंपोर्ट करना है। तो हमारे पास एक्सेल में ही इंपोर्ट करने के तरीके हैं। जैसे कि हम अगर जाएं अपने डेटा मेनू बार में, तो हमारे पास फॉर्म बिब का ऑप्शन आता है। और उसमें यहां पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, मैं कॉपी सही से नहीं किया, मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, आप पेस्ट कर, पेस्ट एंड ओके। अभी आपको कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, जैसे लॉगिन वगैरह हुआ है तो लॉगिन वगैरह करने के लिए बोलेगा। उसके बाद ये आपकी इसमें टेबल्स लेता है, टेबल 0 आ गया। टेबल 0 में आपकी इसके पूरा डेटा आपका दिख रहा है, जो भी डेटा है। ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट है, अगर आप वेब व्यू की बात करें तो वेब व्यू में आपको ये दिखेगा। लेकिन सिर्फ इस पे जो आता है सिर्फ डेटा आता है, तो मैं यहां से लोड पे क्लिक कर देता हूं। आपके सामने डेटा आपका आ गया। तो इस तरह से आप लेके आ सकते हो, अलग अलग यूआरएल, अलग अलग एक्टिविटी से डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल में। जी हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है इसमें, देखिए 593 रोड हुआ है और रोड लोड हो रहा है। ऐसा नहीं कि अधूरा डेटा आया, पूरा डेटा आया है कंप्लीट, बट आपकी फॉर्मेटिंग इसमें नहीं आएगी। जो वेबसाइट की फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग इसमें आपका नहीं आएगा। कल के डेट में अगर चेंज हुआ होता है तो आपको बस यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अगर वेबसाइट पे चेंज होता है तो यहाँ पे रिफ्रेश करना है और यहाँ डेटा आपके पास आ जाएगा। तो बस यूआरएल पेस्ट कीजिए और किसी वेबसाइट के मेन बॉडी का डेटा लेके आ सकते हैं। लेकिन मेन बॉडी का डेटा सिर्फ टेबल जो होगा वो टेबल आएगा, बाकी चीज आने में दिक्कत होती है। तो टेबल वाले वेबसाइट का डेटा ही ले। थैंक यू।